दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। सो गाइस, YouTube पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। हालांकि अपडेट तो काफ़ी दिन पहले ही हमको बता दिया गया था कि आने वाला है और कुछ दिनों पहले से ही ये लगभग लोगों को मिलने लग गया था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये अपडेट नहीं मिला था, इंक्लूडिंग मुझे भी मिला के कि ये अपडेट जो है बहुत से लोगों को नहीं मिला था। तो यहाँ पे अब ये अपडेट जो है मुझे तो मिल चुका है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं जानता कि सबको मिला है या नहीं, लेकिन मुझे मिल चुका है इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये अपडेट है, बेसिकली आपको जाना पड़ेगा अपने YT स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन में, चाहे आप मोबाइल में जा सकते हैं या फिर अपने PC या लैपटॉप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने PC में आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपनी वीडियोस दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको अपनी वीडियोस यहाँ पे दिखाई देती हैं जो आपकी वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड होती हैं। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है, ये आपकी वीडियोस के एडिटिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी ये जो एक लेटेस्ट वीडियो है जो कि WhatsApp से रिलेटेड मैंने अभी बनाई है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे जो हम इसके टाइटल वगैरह लिखते हैं, तो इसी के साथ यहाँ पे हमको ये नीचे फीचर जो है मिला है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाने का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके नीचे कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आपके टैग्स वगैरह और आपकी लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो ये जो लेटेस्ट फीचर है ये आपको मिलेगा नीचे, और यहाँ पे आपको ये जो फीचर है ये यहाँ पे मिलेगा, देखिए शॉर्ट्स बनाने के लिए अनुमतियाँ। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो आपकी वीडियो होती है उसके अंदर जो आपकी ऑडियो आपने यूज़ की है, उस ऑडियो से कोई भी जो है, मान लीजिए आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो और आपकी वीडियो में किसी को जो है कोई लाइन अच्छी लग गई, मतलब 15 सेकंड तक की तो वीडियो बना ही सकते हैं, तो 15 सेकंड की कोई ऑडियो किसी को पसंद आ जाती है, तो ऐसे में वो आपकी उस वीडियो की ऑडियो के किसी भी हिस्से को यूज़ कर सकता है 15 सेकंड तक के। तो यहाँ पे जो ये फीचर आपको दिया गया है इसका मतलब ये है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं राइट का क्लिक है, जैसे मैंने अभी क्लिक करके हटा दिया और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राइट का क्लिक पहले से आता है, तो ये जो है आपकी हर वीडियो पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले से इनेबल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे जो है ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो ये वीडियो है इसकी किसी भी ऑडियो के किसी ने यूज़ कर लिया और आपने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, तो ऐसे में उन सभी की वो वीडियोस जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक एप्लीकेशन में या टिकटॉक के जैसे जो दूसरे एप्लीकेशन हैं जो अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जब किसी एक ऑडियो से रिलेटेड बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं तो उस ऑडियो के सेक्शन में बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही आपकी ऑडियो से अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो उन सभी की वीडियो एक सेक्शन में दिखाई देंगी और ऊपर में आपका जो क्रेडिट आपकी वीडियो को जाएगा कि आपने उस वीडियो को क्रिएट किया है, और जो भी आपकी उस वीडियो पे जाना चाहता है वो जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो उन सभी की वीडियो उस सेक्शन में से हट जाएंगी, क्योंकि वो सेक्शन ही जो है आपने डिलीट कर दिया है। या मान लीजिए आपने इसको टर्न ऑफ करके यहाँ पे डिसेबल कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल करके सेव कर दिया, तो ऐसे में भी उन सबकी वीडियोज वहाँ पे हट जाएंगी, और हटने के बाद उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि उनकी उस वीडियो से जो है आपका सॉन्ग या फिर आपकी ऑडियो जो भी है वो हटा ली जा रही है, और ऐसे में वो चाहें तो अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनकी वीडियो वो सिर्फ वीडियो ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी ऑडियो के साथ वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले, या फिलहाल नया फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।